पर कोरोना का एक और मरीज मिला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर देहात से, जहां पर कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या दो हो गई है। सूरत से आया व्यक्ति निकला है कोरोना पॉजिटिव। गद्दे क्षेत्र के सरवनखेड़ा विकास खंड का ये मामला है। आपको बता दें कि कानपुर देहात पहले ग्रीन जोन में शामिल था, हालांकि अब ये ऑरेंज जोन में शामिल हो गया है। दो कोरोना मरीज सामने आए हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहित कश्यप हमसे जुड़ चुके हैं। मोहित, कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कानपुर देहात में दो हो गई है। पहले कानपुर देहात ग्रीन जोन में था, अब वो ऑरेंज जोन में आ गया है। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी, ऐसे आपको बता देना चाहता हूँ, पूरा मामला जो है ये सरवनखेड़ा विकास खंड का है, जहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव पहले मिला था जो कि पोखराया क्षेत्र में मिला था, और ये दूसरा कोरोना पॉजिटिव जो मिला है ये सरवनखेड़ा क्षेत्र में मिला है। उसको लेकर के वहाँ जो सूरत से जो लोग आए थे 21 लोग थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते उस इस क्वारंटाइन नहीं किया गया, केवल जाँच करा करके उन लोगों को भेज दिया गया, जिसमें 21 लोगों का मेडिकल परीक्षण हुआ, केवल एक लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और बाकी लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। तो पूरे मामले को लेकर के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और लोगों को भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल पैदा हो रहा है कि अब कोरोना पॉजिटिव कानपुर देहात में भी दस्तक दे पाए। पहले ग्रीन जोन में था, अब ऑरेंज जोन में हो गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियां उजागर हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसको मीडिया से छिपाया जाता है। कानपुर देहात की स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही ये है। जी मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे, जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या दो हो गई है। सूरत से आए व्यक्ति निकला कोरोना पॉजिटिव।